पंडित अखिल शुक्ला के नाम से यूट्यूब पे अपने वीडियो भेज रहा हूँ, तो काफी फोन भी आ रहे हैं और आप लोग अच्छा उसका लाभ उठा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। अभी 9 तारीख से 5 दिन के लिए वन मेला इंदौर में लग रहा है, इसलिए मैं कुछ ये वीडियो आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आप वहां से अच्छी ताजी जड़ी बूटियां खरीद लें। वहां काफी जड़ी बूटियां दूर दूर के आंचलों से आती है और शुद्ध रहती है, ताजी रहती है, उसको जरूर ले लीजिए। अब मैं एक ऐसा प्रयोग आपको बता देता हूं जो बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, माताओं के लिए भी है, बहनों के लिए भी। सरल चीज है मगर प्रयोग अति चमत्कारी है और आपके शरीर को पूरा की पूरा वो बलवान बनाने वाला है। तो आप जो है, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं इस वन मेले में आराम से मिल जाएगी, इसमें बिना किसी मिलावट के अच्छी मात्रा में मिलेगी। आप लीजिए 100 ग्राम बबूल का गोंद ले लीजिए, 100 ग्राम आप ले लीजिए धावड़े का गोंद, 100 ग्राम बबूल का गोंद, 100 ग्राम धावड़े का गोंद, 100 ग्राम काली मूसली, 100 ग्राम सफेद मूसली मिल जाएगी आप, 100 ग्राम आपको शतावरी, शतावरी का पाउडर नहीं लेना है, शतावरी मिलती है इतनी लंबी लंबी आपको वहां मिल जाएगी। और इसमें 100 ग्राम आप काजू, 100 ग्राम किशमिश की जगह मुनक्कड़ डालिए, 100 ग्राम बादाम, इन सब चीजों को ले लीजिए। अब आप लीजिए गाय का शुद्ध घी, मिल जाता है दुकानों पे, गाय का शुद्ध घी लीजिए और खारिक 100 ग्राम खारिक, इसके सबके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। सबसे पहले आप बबूल की गोंद को आप जैसे उसमें तलेंगे घी में तो फूल के नरम होकर बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसी प्रकार धावड़ा की गोंद हो जाएगी, आप उसको निकाल के रख लीजिए अलग। इसी प्रकार आप उसमें खारिक, काजू, मुनक्का, बादाम के जो छोटे टुकड़े हैं उनको भी हल्का सा तल लीजिए, जलाना नहीं है, हल्का सा लाल हो आप निकाल के अलग रख लीजिए। अब आपका ये काम हो गया, अब आप उस घी को उतार के अलग रख दीजिए। अब एक कढ़ाई में आप पंजीरी बनाते हैं, थोड़े मोटा आटा होना चाहिए उसमें, बारीक आटे की पंजीरी मुंह में चिपकती है, बारीक आटे की पंजीरी नहीं लेना है, थोड़ा मोटा आटा, दरदरा थोड़ा सा आटा लीजिए, वो 1.25 किलो आटा आप लीजिए, 1.25 किलो से 1.5 किलो आटा आप उसको हल्की आंच में बढ़िया गुलाबी जब वो भुन जाए ले लीजिए। भुनने के बाद आप उसको निकाल लीजिए, जो भी आपका सामान है गोंद, धावड़ा गोंद, बबूल गोंद, काजू, इसको मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में जब ये पीस जाएगा तो इसमें थोड़ा सा 100 ग्राम काला तिल, अच्छा धुला हुआ काला तिल, इसमें कढ़ाइया पे भून, जैसे आपने जब गेहूं का आटा भून लिया उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तिल जो है भून लीजिए। मित्रों तिल बड़े काम की चीज है, तिल आपके दांतों को, यूरिनरी सिस्टम को बहुत अच्छा बना देता है, आपके दांत मजबूत रहेंगे, बार बार पेशाब आना बंद हो जाएगा, दांतों के रोग आपके ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार धावड़ा गोंद और बबूल गोंद आपके शरीर को वीरवान बनाता है, मजबूत बनाता है। शतावरी आपके आंखों के रोग को, समस्त रोगों को ठीक करेगा। ये जितनी भी चीजें मैंने जो आपको बताई है ये शरीर में आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ाएगी, आप में ऊर्जा बढ़ाएगी और प्रोटीन के साथ साथ ये औषधि का भी काम करती है। ये सब वहां औषधियां हैं, जब आपने सब कर लिया तो आप इस सब को बारीक पीसने के बाद आप तिल को भी पीस लीजिए और इन सबको आटे में डाल लीजिए, आटे में डाल के थोड़ा मिला लीजिए भुने हुए आटे। अब इसमें मिठास के लिए शहद ले लीजिए, शहद आपको वही मिलेगा बन मेले से, अच्छा शहद ले लीजिए, छिंदवाड़ा तामिया का शहद अच्छा आता है, बैतूल तरफ का भी शहद अच्छा आता है, उसमें डाल दीजिए आवश्यकता अनुसार, इतना डालिए कि लड्डू बन जाए, ज्यादा ढीले नहीं बने, थोड़े कर्रे लड्डू बन जाए, इतना शहद उसमें डाल दीजिए, आप लड्डू बना लीजिए। इन लड्डुओं को बना के आप अपने पास एक किसी अच्छे साफ पात्र में रख लीजिए, रोज सवेरे अपने बच्चों को स्कूल जाने के पहले एक लड्डू आप पीजिए और एक गिलास दूध पी लीजिए, दिन भर आपका बच्चे में एनर्जी रहेगी। हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो एकदम बुझे हुए, बस्ता टंगा हुआ,
ढीले से रहते हैं, उनमें कोई ऊर्जा रहती नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों को मैगी और पिज्जा आप खिला रहे हैं उसके उससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं रहती। बार बार सर्दी हो रही, बार बार जुकाम हो रहा, बार बार डॉक्टर के यहां मंगने, और बिल्कुल बोझल से रहते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। ये बड़ा सस्ता और सरल और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अगर आप इसको बच्चों को खिलाएंगे उनमें बढ़िया क्षमता बढ़ेगी, वीरवान बच्चे बनेंगे, पढ़ने लिखने में बहुत मन लगेगा उनका, और दिन भर हिरण के जैसे बच्चे कूदेंगे, ये मेरा बिल्कुल दावा है। इसको ना केवल बच्चों को खिलाइए, अपने घर में आप जो भी बड़े परिवार हैं, माता पिता हैं, आप हैं, आपके परिवार है, सब लोग एक एक लड्डू खा के बढ़िया एक गिलास दूध पीजिए। इससे बढ़िया टॉनिक, इससे बढ़िया प्रयोग कुछ है ही नहीं। आप इसको जरूर करिए, ये लड्डू आपको बिल्कुल ऐसा बना देगा कि आपके शरीर में दिन भर ऊर्जा लगी रहेगी, आपको बड़ा काम में मन लगेगा, थकान बिल्कुल नहीं आएगी, आपके जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, ये समस्त आंखों की रोशनी समस्त के लिए है, ये आपके बाल काले, ये जितने भी ये चीजें हैं, ये बड़े काम की और बड़े मनीषियों ने बड़े छांट छांट के एक एक चीज को लाकर इस प्रयोग को बनाया। तो आप इसको जरूर करिए और आपके घर परिवार में प्रसन्नता रहेगी। बहुत अच्छा प्रयोग है ये, पेट के रोग, शरीर के रोग, एसिडिटी, गैस, समस्त रोगों के लिए ये एक टॉनिक के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसके लड्डू आप खा के देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, मैं बताऊं कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं, इसको करके देखिए, तब आप कहेंगे कि हाँ जरूर आयुर्वेद में बहुत ताकत है और बहुत दम है। आप लोगों ने मेरे वीडियो को बड़े प्रेम से देखा, आपको कुछ भी संबंध में पूछना हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी शंका समाधान कर दूंगा। इसको खाइए, अगर थोड़ी सी गर्मी लगे तो आधा लड्डू खाइए, और अगर आपके शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं रहती, आपके वात रोग भी अच्छे हो जाते हैं इससे, जो पैरों की ऐठन, पैरों की सूजन, चलने में तकलीफ, जोड़ों का दर्द, ये समस्त रोगों के लिए मित्रों ये लड्डू है। आप जब खाएंगे तो मुझे जरूर याद करेंगे और मुझे इस YouTube के माध्यम से जरूर मेरे व्यूज को देखिए और मुझे लाइक करिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।